हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला और मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन की सब्जी। इस सब्जी को मैंने थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बनाए हैं, जिससे कि इसका टेस्ट एकदम हटके भी होगा और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये बहुत ही स्वादिष्ट मसाला बैंगन। मसाला बैंगन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 400 ग्राम बैंगन ले लिए हैं और इनको धोकर पानी के अंदर काटा है, जिससे कि ये काले नहीं पड़े। साथ ही हम ले लेंगे 2 प्याज, 4 टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। अब प्याज को हमें थोड़ा मोटा काटना है, टमाटर को एकदम बारीक काट लेना है, हरी मिर्च को भी मैंने पतली और लंबी स्लाइसेस में काटा है और अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लेना है। साथ ही कुछ खड़े मसाले हम लेंगे, जिसमें लेंगे 1 चम्मच जीरा, 3/4 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच तिल, 1 चम्मच साबुत धनिया, 10 से 12 साबुत काली मिर्च और 1 साबुत लाल मिर्च। इन सारे खड़े मसालों को हम ड्राई रोस्ट करके इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि इस सब्जी का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। अब साथ में हम ले लेंगे 1/2 कप दही। ये बहुत ज़्यादा खट्टा या मीठा दही नहीं है, नॉर्मल दही है ये, घर का बना हुआ। अब इस दही के अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 3/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिला लेंगे। साथ ही ऐड कर लेंगे इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ऐसा करने से दही है वो फटेगा नहीं। जब हम इसे ग्रेवी में पकाएंगे, दही को सीधा ही डालते हैं तो दही के फटने के चांस होते हैं, और जब मसाले दही के अंदर मिला देंगे तो इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और दही है वो फटेगा भी नहीं। मसाले और दही का पेस्ट बनाकर हमने तैयार कर लिया है, इसे साइड में रख देते हैं और साथ ही ले लेते हैं 3 से 4 बड़ी चम्मच तेल। अब सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे और पैन को गरम कर लेंगे। जैसे ही पैन गरम होता है, इसके अंदर जो खड़े मसाले हमने लिए थे वो डाल देंगे। अब खड़े मसालों को हम लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। तो खड़े मसालों को रोस्ट करके इस्तेमाल करने से इसमें कोई भी अलग से हमें गर्म मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और साथ ही ये जो मसाले हैं इनका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो मिर्च अच्छे से रोस्ट हो जाए, इसके लिए हम इसे तोड़ देते हैं। ये देखिए, मसालों में बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगी है और इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो इसे इतना ही रोस्ट करेंगे। तो इसे निकाल कर हम साइड में रख देते हैं ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। जब तक ये ठंडे होते हैं, हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेते हैं और इसके अंदर डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच तेल। अब तेल को गर्म होने देते हैं। जैसे ही तेल गर्म होता है, हम इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्च। तो हरी मिर्च को पहले थोड़ा सा पका लेते हैं। हरी मिर्च ज़्यादा टाइम नहीं लेगी तेल में पकने में। तो हरी मिर्च के पकते ही गैस का फ्लेम हम एकदम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर जो दही और मसालों का पेस्ट बनाकर हमने रखा था वो डाल देंगे और साथ ही इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे। अब इन मसालों को हम पका लेंगे लगातार चलाते हुए, और जब तक इसमें अच्छी तरी ना जाए तब तक इसे लगातार चलाते रहेंगे। ऐसा करने से दही भी नहीं फटेगा और मसाले हैं वो भी बहुत अच्छे से पक जाएंगे। तो ये देखिए, सारी ग्रेवी ने तरी छोड़ दी है, तेल सारा ऊपर आ गया है, तो यानी ये अच्छे से पक गई है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज। प्याज को मैंने यहाँ पर मोटा और लंबा ही काटा है। खूब सारा प्याज डलता है बैंगन की सब्जी में, तभी टेस्ट वो ज़्यादा अच्छा आता है, नहीं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग प्याज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब प्याज को हमें थोड़ा सा पका लेना है। इसमें हमें प्याज को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता है, बस थोड़ा सा पकाएंगे। तो पहले प्याज को कुछ सेकंड के लिए हमने पका लिया है। प्याज को अभी हमने थोड़ा ही पकाया है, बाकी हम बैंगन के साथ इसे पकाएंगे। अब बारी आती है इसके अंदर बैंगन डालने की। बैंगन को हमने धोकर पानी में काटा था, जिससे कि ये काले नहीं पड़े। आप पानी के अंदर नमक या फिर नींबू का जूस भी मिला सकते हैं, जिससे ये बिल्कुल भी नहीं काले पड़ेंगे। बैंगन को मैंने यहाँ पर पतला और लंबा ही काटा है, जिससे ये पकने में भी इजी रहेंगे और ये देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो मिक्स कर लेते हैं बैंगन को भी अच्छे से। इस सब्जी के अंदर अब हम बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे, तो इसे लो फ्लेम पर ढककर पकाएंगे, जिससे ये पक भी जाएंगे और इसमें पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे कवर कर देते हैं। जब तक बैंगन पकते हैं, हम ये ठंडे किए हुए खड़े मसाले ग्राइंडर में डालेंगे और इन्हें दरदरा पीस लेंगे। यहाँ पर मसालों को मैंने दरदरा पीस लिया है ग्राइंडर के अंदर। अब सब्जी को भी चेक कर लेते हैं। तो इसे खोल लेते हैं। देखिए, बैंगन थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन अभी ये पूरी तरह से नहीं पके हैं, थोड़ा सा हम इसे और पकाएंगे।
अब इसके अंदर बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने से सब्जी है वो अच्छे से पक भी जाएगी, क्योंकि टमाटर में खूब सारा पानी होता है और टमाटर हैं वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसे दोबारा कवर कर देते हैं और लो फ्लेम पर पका लेते हैं। तो ये 2 मिनट हो गए हैं, आपको इसमें तेल दिखाई दे रहा होगा। तो अब लास्ट में हम ऐड कर लेंगे इसके अंदर ग्राइंड किए हुए खड़े मसाले। मसालों को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर। हमने ये जो खड़े मसाले लिए हैं उसकी वजह से हमें कोई अलग से गरम मसाला डालने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस सब्जी को हम खुला रखकर 2 मिनट के लिए और पका लेंगे, ताकि मसालों का अच्छा फ्लेवर आ जाए सब्जी के अंदर और साथ ही जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए सब्जी को हमने अच्छे से पका लिया है। खुला रखकर पकाने से इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर भी निकल गया है, जिससे मसालों का भी बहुत अच्छा कलर आ गया है सब्जी के अंदर। तो ये हमारी बहुत ही लाजवाब मसाला बैंगन बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो आप एक बार जरूर ट्राई करके देखें इसे। यदि ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट के लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक जरूर करें। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।